हरे कृष्णा। एक और वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल तरीके से अपने पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए कमेंट लेता हूँ, सुनते हैं इनकी क्या स्थिति थी। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। नमस्ते डॉक्टर जी, मैंने मेडिसिन तो ली थी 3 महीने से, मेरे को फर्क भी हुआ पर अप्रोक्सीमेटली 20%। मुझे उतनी ही होप थी क्योंकि मेरे को 10 साल से है अप्रोक्सीमेटली ना पिगमेंटेशन, मतलब इतनी क्यों नहीं थी कि 20% भी 20% फर्क पड़ा, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब भी मैं घी लगाती हूँ ना तो उसमें पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं। और घी लगाने का तरीका चेंज कीजिए, बर्फ डाल के वैसे लगाओ, बर्फ डाल के लगाइए या फिर उसको वॉश करके लगाइए। क्या करके लगाओ? तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला, अगर मैं घी लगा के घी लगाती हूँ तो अगर सुबह को नीम पानी पी लेती हूँ तो फिर नहीं होते हैं, पर वो जैसे पीरियड डेज में आपने मना किया था कि उसमें नहीं पीना है तो उस टाइम में हो जाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने चीजें बता तो रखे ताकि वो ना निकले, इसलिए मैंने बता रखा कि नीम पानी पिया कर। देखिए, इन्होंने बताया कि मुझे 10 साल से पिगमेंटेशन था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है, फिर भी मैंने उम्मीद लगा के आपसे दवाई करनी शुरू की और मुझे इस चीज की खुशी है कि 20% इनका पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गया। और उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जाएगा, बट 20% इनका चला गया है इन 3 महीनों में। तो इनको केवल इतनी ही उम्मीद थी कि इतना ही मेरे को फर्क पड़ सकता, और ये बहुत बड़ी बात है कि 3 महीने में इनको फर्क पड़ गया। आगे इन्होंने कहा कि एक्ने निकल रहे हैं घी लगाने से, बट उसका सोल्यूशन ये है कि सुबह सुबह नीम का पानी पीती हूँ तो मुझे एक्ने नहीं निकलते। आगे सुनते हैं। ओके और मुझे वो मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरी स्किन मॉडरेट स्किन है, मतलब मुझे पिगमेंटेशन चेहरे पे नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ चिन पे सॉरी ये क्या होती है। देखिए, मोटेड स्किन एक होता है पिगमेंटेशन, एक होता है मोटेड स्किन। मोटेड स्किन ये होते हैं कि आपके जो अंदर की ब्लड की कैपिलरीज हैं, यानी कि जहां से हमारी त्वचा में छोटी छोटी नलियों से खून आ रहा है, वो नलियां डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से परमानेंट वहां पर कालापन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मोटेड स्किन। अच्छी होती है चिन पे और फोरहेड पे, वो भी क्या होती है कॉलेज टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा मेरा धूप का एक्सपोज़र था तो उस समय से हुई है मुझे। अच्छा, सबसे शुरू में आपने क्या बोला था? आपने बहुत फास्ट बोल दिया, आई थिंक बहुत फास्ट बोलती हैं आप। सबसे शुरू में आपने क्या बोला कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि 20% में आराम होगा। हाँ, मुझे ये इतना लग नहीं रहा था। मैंने इनको कहा कि आप बहुत फास्ट बोल रही हैं तो आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा, तो फिर अभी देखिए इन्होंने स्लो बोलना शुरू किया। ठीक है, आगे सुनते हैं। कि मुझे 20% भी होप होगी, मुझे लगा था कि मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर मुझे फिर भी 20% होप भी हुई, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इनको 20% भी फर्क लगा, और वैसे इनको उम्मीद नहीं थी कि इनको फर्क लगेगा। आप ये बताइए कि आपने कहा था माइग्रेन है आपको 3 साल, उसका क्या हुआ? माइग्रेन में थोड़ा बेटरमेंट है, पूरा ठीक तो नहीं हुआ पर हाँ थोड़ा करके काफी फर्क है। अभी 2-3 महीने में इतना ही होगा। तो सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये माइग्रेन की मेडिसिन आपने सेकंड टाइम में जो दी थी वो हेडेक कौन सी दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी हाँ जी, वो क्या कहते हैं, वो आपने सेकंड और थर्ड मंथ में जो दी नहीं तो मैंने वो खाई नहीं तब, वो कंटिन्यू करनी थी या नहीं करनी थी मुझे समझ नहीं आया। उसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, उसे कंटिन्यू करना है। थायराइड है आपको माइल्ड? हाँ थायराइड, वैसे मैंने तब से चेक नहीं करा, मतलब काफी टाइम से। इनको माइग्रेन भी है, माइग्रेन में इनको आराम है, थायराइड भी है इनको, थायराइड की हम दवाई पेशेंट को देते हैं साथ में। देखिए ऐसा होता है कि जो थायराइड वाले हमारे पास में पेशेंट है ना, उनकी जो रिकवरी होती है बहुत स्लो होती है, उनको अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा थायराइड के हिसाब से, मतलब कि उनको डाइट लेना, उनको योग करना, उनको एक्सरसाइज करना और उनको वॉक करना, ये बहुत मस्ट है थायराइड में। पेशेंट का क्या रहा है आपके? कॉन्स्टिपेशन सर, नीम का पानी पीने से टचवुड ठीक है, पर मैं उसके अलावा वो जो सुबह रात को वो खाते हैं ना सॉफ्ट ऑफ, मतलब वही जो पतंजलि का आता है, क्या बोलते हैं उधर कल्पचूर्ण, वो मैं खाती हूँ रात को, मैंने उसे छोड़ के नहीं देखा, पर हाँ मुझे ठीक लगता है नीम का पानी पीने से, उस चीज में बेटरमेंट है। पता है एक चीज और बेटर आपको मिलेगा, आप एक तो चिया सीड ऐड कीजिए खाने में अपने। चिया सीड को सर कैसे खाना है? उसे रात को घो लीजिए 1.5 से 2 चम्मच, 1.5 गिलास पानी में, 1 चम्मच हो तो 1 गिलास पानी, 2 चम्मच हो 2 गिलास पानी, और उसको एज इट इज पीना है सुबह सुबह उठ के। सर वो तो हार्ड सकत सकत से? नहीं, वो जेली टाइप हो जाएगा। अब देखिए मेरी और इनकी क्या कन्वर्सेशन, और ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, मैंने इनको बताया कि आप चिया सीड लीजिए, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं बात अपने पेशेंट को बताता हूँ यहाँ पर, अब यही बात मैं यहाँ पर इनको बता रहा हूँ जो बात मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो सबसे पहले 3 महीने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, या फिर 6 महीने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, एकदम से ट्रीटमेंट लेने के लिए ना आ जाए मेरे पास में, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ये बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ क्रीम भी देंगे लगाने के लिए, डॉक्टर साहब कुछ क्रीम भी दे देना लगाने के लिए ताकि मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। मैं सही में
मेरा मन करता है कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूँ ही ना, या फिर मैं इनको बोल दूँ कि आप ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास में 3 या 6 महीने बाद आना, बट वो बहुत रूड हो जाएगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूरी हो जाएगी ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फील नहीं होता है जब मेरे को पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई क्रीम दे दो लगाने के लिए। बट अगर जितना पानी अगर ज्यादा लेंगे तो इजिली वो कंज्यूम हो जाएगा। एक तो उसको ऐसे पीना बिना चबाए, बिना चबाए पी जाना। हाँ, बने चबाए उसको पी लीजिए आप ऐसे। दूसरा कोकोनट आता है, कोकोनट 3 तरीके का आता है, एक तो पीने वाला आता है, एक सूखा आता है बिल्कुल। हाँ, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जस्ट अभी किया है, इस महीने में, यानी कि मैंने शायद एक आध बार और वीडियो में जिक्र किया होगा। बात यह है कि कोकोनट 3 तरीके का आता है, एक तो पानी वाला आता है, एक होता है बिल्कुल सूखा वाला, और एक होता है बीच का जिसको श्रीफलम बोलते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। उसको क्या करना होता है कि उसको पूरे दिन में एक कंज्यूम करना होता है आपको, यानी कि पूरे दिन में आपको एक कोकोनट खाना होता है, ठीक है। जो मीठा वाला जो कोकोनट होता है, सूखा वाला नहीं, जिसको हम बोलते हैं दूधिया गोला, वो पूजा वाला, जो जिसको हम पूजा में माता जी की चीज से हम पूजा करते हैं, वो वाला गोला आपको पूरे दिन में एक कंज्यूम करना। उससे क्या होगा, उससे जो आपके गट की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरी बात, उससे जो आपकी मोशन जो होगा सुबह सुबह एकदम से फ्रेश होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 बार में जाना पड़े पूरे दिन में और आप उससे बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। आप करके देखिए ये चीजें। मैंने जस्ट अभी इसको शुरू किया था अपने क्लिनिक पर, और मैंने अभी तक इसके बारे में कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, बट मैं बनाऊंगा इसके बारे में सेपरेट वीडियो। जिसको बोलते हैं दूधिया गोला, पता नहीं क्या बोलते होंगे, उस कोकोनट को आपने पर डे एक कंज्यूम करना है। मैं कमेंट को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। उससे क्या होगा, उससे पेट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। गुप्ता से आपको पता है कि कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क रहता है। हाँ सर, वो होते हैं पर एक्सेप्शंस होते हैं, मुझे तो यही लगता है पर्सनली कि दे आर एक्सेप्शंस। कोई बात नहीं। हाँ तो मेरी का चलो, अगर आपसे ट्रीटमेंट करवाई रही हो तो थोड़ा जैसे आप नीम पी रहे हैं कॉम्प्लेक्शन आपका क्लियर होगा। आप जो मैंने अभी कोकोनट बताया खाने के लिए, आपको कॉम्प्लेक्शन उससे भी साफ होगा। वो एक एक दिन देखिए, नीम पीने से कॉम्प्लेक्शन क्लियर होता है, वो जो मैंने कोकोनट बताया है उसको खाने से कॉम्प्लेक्शन साफ होता है। अगर आप घी को अप्लाई करते हैं पूरे शरीर पर, उससे आपका कॉम्प्लेक्शन साफ होता है। और अगर ये अमेजिंग फेस पैक अगर आप यूज करते हैं, उसको बहुत पतला करके बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं बनाना। और अब तो मैं आगे इसका डिब्बा बड़ा करने वाला हूँ उसी सेम प्राइस में, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है। लोगों ने इसको यूज़ किया है, लोगों को इसके रिजल्ट पता है। तो जैसा आपने मुझे मीशो पर कमेंट दिए हैं, वैसे ही आप मुझे फ्लिपकार्ट पर कमेंट देना, क्योंकि मैं मीशो पे ये सारी चीज़ें बंद करने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे टोटली उसमें लॉस है। कम से कम फ्लिपकार्ट पर नो प्रॉफिट नो लॉस तो होगा। ठीक है, चलिए। तो हमारी इनसे यही बात हुई, इन्होंने कहा कि मुख्य बात इनकी क्या थी, माइग्रेन में इनको आराम हुआ, घी लगाने से दाने निकलते हैं तो नीम का पानी पीने से इनको आराम लग जाता है। और उससे बड़ी बात क्या थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि 10 साल से था। और इन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि इन्होंने सभी चीजें ट्राई कर ले होंगे, बट ऐसा है कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं आपको देने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप उसको देखिए, कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए आपको ठीक करने के लिए। और हमारे पास में कम से कम 9 या 10 तरह की किट है हमारे पास में आपको देने के लिए, आपकी परेशानी को सुन के, तो उस तरीके से आप ठीक हो जाते हैं। तो हार मत मानिए, मैंने जो चीज आपको बता रखी है उनको आप कीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरी मेडिसिन ले लीजिए, मेरे से ये ठीक हो गई। ठीक करने वाले तो कान्हा जी बैठे हुए, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर बैठ के, उसको आप फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करते करते जब आपको आराम मिलना शुरू हो जाए अपने शरीर के अंदर, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।